दूधवा के नीक ना दिया रे माई तोहरा ममता में सागर ना। उसका डोरी टूट जाता है, वो पतंग जब उड़ गया तो उसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है कि वो पतंग ध्यान दिया कि मेरे ऊपर पैसा उछाला जा रहा था इसलिए माइक पटक के भागे हम। देखिए तो इसका मतलब उनसे पैसा से कोई मतलब नहीं है, तो फिर सेवा करें फिर। नमस्कार, मैं नितेश, आप देख रहे हैं लोक ताकत। तो अभी हम मौजूद हैं राधेश्याम रसिया जी के पास। वही राधेश्याम रसिया जी हैं जिनका हर मोड़ चौराहा पे 90 के दशक में ये सुपरस्टार हुआ करते थे। यही राधेश्याम रसिया जी हैं जिनके हर मोड़ चौराहे पे गाना सुनने को मिलता था, और आज भी इनको काफ़ी दर्शक इनको पसंद करते हैं। और आज हम इनसे सोचे कि इनसे मिलकर इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे लोक ताकत परिवार में। देखिए, सबसे पहले आपका चैनल को नमस्कार है, और जो भी मेरे श्रोता हैं मैं सबको चरण छू के प्रणाम कर रहा हूँ कि लोक ताकत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और मेरा इंटरव्यू अभी तो ये मेरा पहला इंटरव्यू आपके यहाँ से जा रहा है जी। अभी दूसरा मैं छठ का भी देने चाहता हूँ जी, मैं आपको दे रहा हूँ, वो हनुमान जी के मंदिर के पास दूंगा कोनवा मोड़ पे जी। अभी हम तो हैं अपने छोटे भाई मनीष जी के पास जी। तो ये मनीष बाबा का ये घर है जी, आपको बुलाया गया है जी, तो आपको जो पूछना है पूछ सकते हैं। आप टी सीरीज में काम कर चुके हैं, टी सीरीज में जब काम किए तो आपको कैसा महसूस हुआ? देखिए, कैसा महसूस नहीं हुआ, ये जैसे महसूस किसको नहीं होगा, टी सीरीज के ऊपर कोई कंपनी नहीं है हाँ। लेकिन टी सीरीज में ऐसा महसूस हुआ कि भोजपुरी के पहला सुपरस्टार थे जो कि टी सीरीज में काम किया जी। भोजपुरी के सुपरस्टार का उपाधि मेरा मिला जी, तो टी सीरीज सुपर कैसेट इंडस्ट्री से मिला। अच्छा, एक बात हम और जानना चाहेंगे कि आप तो आपको लोग इतना पसंद करते हैं, आपको इतना दर्शक पसंद करते थे, लेकिन आज तक आप कहीं स्टेज पे कहीं माइक नहीं फेंके, लेकिन अक्षरा सिंह जो है ये स्टेज पे माइक फेंक दे, इन पे आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए, मैं तो ये कहूँगा तौहनी की चीज़ है, कलाकार हो करके जी मैं क्या बिगाड़ा है, आप ही माइक पकड़े हुए हैं तो क्या बिगाड़ा है, मुझे दुश्मनी होगा, कोई टेंशन होगा तो मैं आपसे बात करूंगा। माइक तो किसी भी कलाकार का रोजी रोटी होता है जी, यही मेन हथियार होता है जी, मेन हथियार है, इसको पटकना कहां तक जाएगा। देखिए, गायक का भी वही हथियार है जी, अगर माइक खराब हो गया जी तो कितना ही चिल्लाइएगा तो लोगों को समझ में नहीं आएगा हाँ। लेकिन अक्षरा जी जो की है हाँ। लेकिन मैं तो ये कहूंगा जो कलाकार हो करके माइक को पटकना नहीं चाहिए, चूंकि वो भी एक सरस्वती है जी, और सरस्वती हम लोग का माइक है, जिस तरह आपका सरस्वती माइक है मेरा भी माइक है सरस्वती है जी। तो अब रही बात की मेरे ख्याल से तो नहीं पटकना चाहिए, अब वो पटक चुके हैं जी, तो इसके आगे मैं क्या बोल सकता हूँ। अब हाथ से तो तीर जब हाथ से निकल गया जी तो उसको रोक पाना मुश्किल होता है, जैसे पतंग का डोरी टूट जाता है जी, वो पतंग जब उड़ गया तो उसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है कि वो पतंग गया तो गया कहाँ जी, कहाँ कहाँ दौड़िएगा। लेकिन मुझे सुनने में आया कि अक्षरा जी माइक पटक दी है, ये गलत की है ना। देखिए, उनको अब क्या दिमाग में आया है, गलत क्या था, सही क्या था, किस कारण से उन्होंने पटक दिया? बोली है वो कि मेरे ऊपर पैसा उछाला जाता जा रहा था इसलिए हम माइक पटक दें। देखिए, ऐसा बात नहीं है, पैसे के लिए तो सब कोई घूम रहा है हाँ। गा रहा है, कमा रहा है, वो बयान दिए कि मेरे ऊपर पैसा उछाला जा रहा था इसलिए माइक पटक के भागे हम। देखिए, तो इसका मतलब उनसे पैसा से कोई मतलब नहीं है, तो फिर सेवा करें फिर, और हम क्या कह सकते हैं। पब्लिक खुश होता है तो कलाकारों का कुछ कुछ ना कुछ देता है, कलाकार का हौसला भी और बुलंद होता है। तो अब रही बात कि अब पब्लिक खुश होकर के आपको पैसा दे रही है, अब खीस में आप माइके पटक देंगे, खीस में गाने गाना छोड़ देंगे, खीस में कुछ बोलना ही छोड़ देंगे, तो ये तो बात गलत है। लेकिन अक्षरा जी को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अक्षरा जी अगर की हैं तो कुछ ना कुछ राज है हाँ। जिस कारण से उन्होंने माइक को पटक दिया, अब ये राज पता कैसे चलेगा जब अक्षरा जी खुद अपने मुखार बिंदु से सुनाएंगी कि मैंने इस कारण से पटक दिया। पब्लिक कह रहा है कि जो पैसे के चलते, आप भी कह रहे हैं कि जो पैसे के चलते जी, किसको पैसा प्यारा नहीं है जी, अब कोई पैसे के चलते माइक पटक देगा, ऐसा कुछ बात नहीं होगा। लेकिन अब अक्षरा जी बता सकते हैं जो किस राज से, किस कारण से माइक मैंने पटक दिया। अच्छा, एक बात बताइए, आप सुनने में हमको मिलता है कि आपके जो खेसारी जी हैं वो आपके चेला हैं, वो जो जब आए छपरा में
तो अपने पवन पांडे जी का पैर जब छू के प्रणाम किए तो उनका काफ़ी सोशल मीडिया पे जो है फोटो वीडियो वायरल हो रहा है कि ये पंडित जी को पैर छू के प्रणाम किए हैं, ये कहाँ तक जायज है? देखिए, ब्राह्मण ब्राह्मण ही होते हैं और कोई भी ब्राह्मण को हाथ उठा करके प्रणाम करना आशीर्वाद ही मिलता है। कोई ब्राह्मण नहीं कहेगा कि तुम मर जाओ तो तुम ये हो जाओ, वो जरूर कहेगा कि खुश रहिए, जय 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 हरि, मैंने आशीर्वाद ही ब्राह्मण देवता सब देता है। लेकिन अगर उन्होंने पवन पांडे जी का पैर छू के प्रणाम ही कर दिया तो इसमें कौन सा बुराई कर दिया? लेकिन अब इस बात को लोग वायरल कर रहे हैं और गलत समझ रहे हैं, तो इसका मतलब यही है ना कि पंडित जी लोगों का पैर नहीं छूना चाहिए, तो फिर किसका पैर छूना चाहिए? जो आदमी बात को वायरल कर रहा है वो कम से कम मीडिया के सामने सुनाए कि किस कारण से बोल रहा है कि ब्राह्मणों का पैर नहीं छूना चाहिए। मैं भी सुनना चाहता हूँ जो किस कारण से आप मना करा रहे हैं, काहे करा रहे हैं? क्या पवन पांडे जी को मैं नहीं जानता हूँ? पवन पांडे जी इतना बढ़िया राइटर, खास करके खेसारी जी का राइटर है, बहुत अच्छे हैं। अगर उन्होंने पैर छू के प्रणाम ही कर दिया, इसमें कौन सा गुनाह कर दिया? कोई खेसारी लाल तो गाली तो नहीं दे दिए हैं, कुछ अशब्द तो नहीं बोले हैं, लेकिन उस चीज़ को दूसरा कोई उठा रहा है मुद्दा कि जो काहे पैर छू के प्रणाम कर दिया, काहे नहीं करेंगे? एकदम करेंगे। जब नहीं करना है तो क्या जरूरत है देवघर जाने का, क्या जरूरत है थावे मंदिर मेहदार आपको वैष्णो देवी, क्या जरूरत है जाने का? पत्थर तो ये भी है रोड पर है जिसमें गाड़ी चल रहा है, और वही पत्थर है जिसमें हम लोग जल पानी दूध घीव चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, वो भी तो पत्थर है। यानी माने तो देव नहीं तो पत्थर, माने तो देव नहीं तो पत्थर। अच्छा ये बताइए कि खेसारी जी रियल में आपके चेला है? जी हाँ। ये बताइए कि आपसे तो वो बाद में इंडस्ट्रीज में आए लेकिन आपसे बड़ा बड़ा काम करके दिखा दिए वो। ये तो बहुत खुशी की बात होती है। कोई आप खुश है ना उनसे? देखिए, खुश काहे नहीं रहेंगे। कोई भी मास्टर अगर कोई लड़का को पढ़ा रहा है या कोई लड़का पढ़ रहा है, अगर वो लड़का आगे बढ़ रहा है तो मास्टर जो भी टीचर हैं उनको खुशी मिलती है। ये खुशी मिलती है कि मेरा पढ़ाया हुआ लड़का इतना दूर चला गया, इस तरह का मुकाम पर चला गया, ये गर्व की बात है। खुशी किसको नहीं मिलेगी? ये खुशी तो अब उनको भी मिलना चाहिए, उनका भी तो चेला लोग हैं। हाँ। वो भी कोशिश करें कि जिस तरह मैं खेसारी लाल यादव बन गया। हाँ। तो मेरा चेला भी उस तरह का बन जाए। तो ये रसिया जी का आपने बात तो सुना ही, और रसिया जी से हम एक चीज और जानना चाहेंगे कि आपका कब गाना आने वाला है ये बता दीजिए। छठ आ रहा है। देखिए, अभी तो मैं छठ गाया हूँ, लालू चाचा तेजस्वी जी पहनली पियरिया। अच्छा, ठीक है, मैं वो छठ को गा चुका हूँ, और वो जो छठ है राधे श्याम रसिया ऑफिशियल से रिलीज भी हो चुका है। और आज मैं सनी जी के यहाँ, आप तो जानते हैं सनी जी को। हाँ हाँ। और स्टूडियो भी देख रहे हैं। हाँ। आज 4 बजे से हमारी रिकॉर्डिंग वहाँ पे है, 4 गाने का, वो भी छठ का है, बाकी आपको हम बताते हैं। तो ये थे राधे श्याम रसिया जी, जो कि टी सीरीज में काम कर चुके हैं और 90 दशक के सुपर स्टार रह चुके हैं। जब भी राधे श्याम रसिया का नाम आता है तो काफ़ी इनके दर्शक देखना पसंद करते हैं और इनको सुनना पसंद करते हैं, और काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं इनका इंटरव्यू लेने के लिए, लेकिन इनसे मुलाकात कम होती है। लेकिन हम भी यहाँ इनसे मिलने के लिए बहुत दूर से चलकर आए हुए हैं, और चाहें कि हम अपने जो क्षेत्र के हैं रसिया जी उनसे मिले और आप सभी को सुनवाएं। काफ़ी इनके दर्शक इनको चाहते हैं और पसंद करते हैं कि रसिया जी का गाना कब आने वाला है, रसिया जी आखिर इंडस्ट्री से दूर क्यों हो गए हैं और इतना दूर क्यों हैं। और ये थे 90 दशक के सुपरस्टार जो कि टी सीरीज में काम कर चुके हैं रसिया जी।